Good afternoon, all of you. I am your course teacher for the subject in antenna engineering. My name is Shamima Khatun. I am M.Tech and VLSI Electronics and Communication Engineering. Basically, this PPT is based on the introduction to the syllabus. And जैसे कि आप सबको पता है कि आपका कोर्स टाइटल एंटीना इंजीनियरिंग है और ये कोर्स DEE 614 कोड है इसका और क्लास आपकी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है ये एंड दिस इज द सिलेबस। सिलेबस में आपके पांच यूनिट हैं। यूनिट वन आपका बेसिकली वेक्टर पोटेंशियल जैसे कि डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और आपका कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड, इनसे रिलेटेड है। इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ेंगे एंटीना इंजीनियरिंग की, जैसे कि रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड इट्स कैलकुलेशन, और इस तरह से थोड़ा सा वेव प्रोपगेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि जिसमें बहुत इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। यूनिट टू विल बी द डेफिनेशंस ऑफ सम पैरामीटर्स, ओके। यूनिट थ्री एंड इन यूनिट टू सम थ्योरम्स विल आल्सो बी देयर। एंड यूनिट थ्री में आपका टाइप्स ऑफ एंटीना से ही ज़्यादातर रिलेटेड है यूनिट थ्री, फोर एंड फाइव। इसमें अलग अलग टाइप के एंटीनाज हम देखेंगे। तो बेसिकली अगर आप पूरे सिलेबस में देखें तो मेजॉरिटी पोर्शन आपका टाइप्स ऑफ एंटीना से ही रिलेटेड है और यूनिट वन थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन बेस्ड है, हैवी कैलकुलेशन नहीं है। बाकी आपका यूनिट टू डेफिनेशन बेस्ड है, तो कुछ डेफिनेशंस आपको टर्मिनोलॉजीज एंटीना की उसमें हमें पढ़नी पड़ेंगी। बेसिकली जैसे कि आपका एंटीना इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक एरा में रह रहे हैं जहाँ मेजॉरिटी आपका ज़्यादातर सराउंडिंग्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ही सराउंडेड हैं और आप डे टू डे लाइफ में विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यू कांट इमेजिन योर लाइफ, तो ये जो भी आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ आपका वन वे कम्युनिकेशन या एंटरटेनमेंट के लिए भी होते हैं, जैसे आपका मोबाइल है, दिस इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, एंड टेलीविजन है, दिस इज द पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन सी लाइक होम अप्लायंसेस हैं आपके, तो दे मेक योर लाइफ ईजियर एंड फास्टर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी योगदान है, बट एंटीना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेलीविजन एंड मोबाइल्स एंड रेडियो, और आपका कोई भी वायरलेस अगर आप सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपका एंटीना की ज़रूरत आपको पड़ती है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी एंटीनास आर वेरी इम्पॉर्टेंट, लाइक यू कैन सी सैटेलाइट आर द पार्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। लाइक अगर एक जगह से ट्रांसमिशन होता है और सैटेलाइट में अगर डेटा पहुंचता है तो सैटेलाइट हाफ ऑफ द ग्लोब या वन थर्ड ऑफ द ग्लोब पे आपका डेटा एक साथ एक एट द सेम टाइम भेज सकती है, बिकॉज उसे काफ़ी हाई एंड पे ऊपर लगाया गया है अर्थ के 36,000 किलोमीटर्स अराउंड डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो वहाँ से जब डेटा ट्रांसमिट होता है बैक टू द अर्थ तो आपका फास्टर होता है,
वायरलेस होता है, प्लस आपका जो डेटा है वो ज्यादा पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर कर सकता है, क्योंकि वो ऊपर से ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम द आयनोस्फीयर टू द अर्थ। तो बेसिकली आप ये देखें कि सैटेलाइट में भी एंटीनास का बहुत रोल है। अगर एंटीना सैटेलाइट में नहीं होंगे तो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आपका पॉसिबल नहीं है, भले ही वो किसी भी चैनल का लाइव टेलीकास्टिंग हो, जी को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, या कोई भी तरह का रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन, या फिर वीडियो कम्युनिकेशन, या फिर डेटा कम्युनिकेशन। इंटरनेट में भी हमारी सैटेलाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ पर सबमरीन केबल्स इंटरनेट यूज़ करने के लिए लगाना इम्पॉसिबल है। जैसे कि इस तरह के लैंड जो ओशन से सराउंडेड नहीं है, चारों तरफ से कवर्ड हैं फ्रॉम द लैंड एंड दे आर कट ऑफ फ्रॉम द सी, तो इस तरह की प्लेसेस के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन से ही इंटरनेट आपका चलता है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे कि पहले हम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग भी पढ़ चुके हैं, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में भी हमने ये देखा है कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी हैं जो आप माइक्रोवेव की अलग अलग बैंड हैं, जिनकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं गीगा हर्ट्स रेंज में, और किस तरह से सैटेलाइट का रोल है। प्लस किस तरह से लैंडलाइन में भी आप एंटीनास को एज अ रिपीटर, मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं है, डायरेक्ट आपका स्काई वेव कम्युनिकेशन है या फिर सरफेस वेव कम्युनिकेशन है, तो एंटीना का रोल तो हर जगह होता है। आपका छोटे छोटे गैजेट्स में भी, अगर कोई रोबोट है जो रिमोट से चल रहा है, या तो उसमें भी एंटीना लगा होगा, जो मॉड्यूल होगा उसमें जो वायरलेसली डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट लेआउट बनाया है जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ एंटीना को प्रायोरिटी दे रखी है। यूनिट 1 और 2 तो मैंने आपको बता दिया, 2 तो डेफिनेशन बेस्ड है, 1 न्यूमेरिकल बेस्ड है थोड़ा सा। यूनिट 3, 4 एंड 5 आर थ्योरी एंड दे टोटली डिपेंड्स ऑन दी टाइप्स ऑफ एंटीना। तो बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ एंटीना विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन अवर सिलेबस, जिसमें जो ये बोल्ड है ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। शॉर्ट डायपोल एंटीना, डायपोल एंटीना, हाफ वेव डायपोल, ब्रॉडबैंड डायपोल, मोनोपोल एंटीना, फोल्डेड डायपोल एंटीना, स्मॉल लूप एंटीना, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। इसमें आगे अगर हम टाइप्स ऑफ एंटीना का, तो ये ब्रॉडली हमने देख लिया ऐसे ऐसे होते हैं, मगर स्पेसिफिकली आपके 2 तरह के एंटीना होते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीना में ट्रेवलिंग वेव एंटीना एंड माइक्रोवेव एंटीना, ठीक है। ट्रेवलिंग वेव एंटीना में हेलिकल एंटीना एंड यागुइडा एंटीना आता है, जिसमें आपका हेलिकल एंटीना सैटेलाइट के लिए यूज होता है, और यागुइडा एंटीना जो होता है एंटीना अरेज वगैरह बनाने के लिए, और पहले यूज होता था टेलीविजन के ट्रांसमिशन रिसेप्शन में, टेलीविजन में, बट अब इसका यूज नहीं होता है। जो अब तो डिश एंटीना ने टेलीविजन रिसेप्शन को रिप्लेस कर दिया है फ्रॉम द यागुइडा एंटीना। यागुइडा एंटीना की फ्रीक्वेंसी कम थी और 2-3 चैनल ही चलते थे इसमें, इस वजह से इसको रिप्लेस कर दिया है पैराबोलिक डिश रिफ्लेक्टर से। तो अब डिश टीवी वगैरह आ गई है जिससे टेलीविजन रिसेप्शन होता है, मगर यागुइडा एंटीना अलग तरह से यूज हो सकता है अरे वगैरह एंटीना के बनाने के लिए, ठीक है। हेलिकल एंटीना जो है दे आर बेसिकली यूज एज अ एम्पलीफायर एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी एट दी बेसिकली बोल सकते हैं एट द सैटेलाइट इन द सैटेलाइट। और हेलिकल एंटीना को ग्राउंड स्टेशंस के लिए भी यूज किया जाता है।
अपर्चर एंटीना एंड रिफ्लेक्टर एंटीना आर द टू मेजर टाइप ऑफ एंटीना विच आर बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोवेव एंटीना। यानी अगर आप एंटीना के ब्रॉड क्लासिफिकेशन को देखें तो ट्रेवलिंग वेव एंटीना एंड माइक्रोवेव एंटीना आर द टू टाइप्स ऑफ एंटीना। माइक्रोवेव एंटीना के फर्दर दो टाइप हैं, वो हैं अपर्चर एंटीना एंड रिफ्लेक्टर एंटीना। दीज आर द अपर्चर एंटीना लाइक स्लॉट एंटीना। और हैं लेकिन हमारे सिलेबस में है वेवगाइड एंटीना और हॉर्न एंटीना ही है, जिसमें आप हॉर्न एंटीना देख सकते हैं डिश टीवी में लगा होता है हॉर्न, जो रिसेप्टर जैसा यूज होता है। बेसिकली इसको सैटेलाइट में भी एज अ रिसीविंग एंटीना यूज किया जाता है हॉर्न एंटीना को। ये हॉर्न एंटीना जो है बीकन्स को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए यूज होते हैं, एक ग्राउंड स्टेशन और सैटेलाइट के बीच का कनेक्शन बनाने के लिए, सैटेलाइट को ट्रेस करने के लिए। और रिफ्लेक्टर एंटीना आपको पता ही है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर आपने अपने घर के पास जो टीवी होती है डिश टीवी का देखा ही होगा। लेंस एंटीना और कॉर्नर रिफ्लेक्टर, जिसमें हमें पैराबोलिक रिफ्लेक्टर और लेंस एंटीना को कवर करना है। माइक्रोवेव एंटीना, जैसे मोस्ट ऑफ द पार्ट आपके सिलेबस का माइक्रोवेव एंटीना पे ही बेस्ड है, तो इसमें मैंने बताया है कि माइक्रोवेव एंटीना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, और ये होम कम्युनिकेशन बेस्ड एप्लीकेशन में भी यूज होते हैं। माइक्रोवेव एंटीना मैं पहले बता चुकी हूँ, अपर्चर एंटीना और रिफ्लेक्टर एंटीना में इसको क्लासीफाई किया जाता है। देन माइक्रोवेव एंटीना में जैसे जो अपर्चर एंटीना है, अपर्चर एंटीना आपका एक तो वेवगाइड एंटीना होते हैं। वेवगाइड मैंने पहले आपको बता भी चुकी हूँ क्या होती है वेवगाइड। वेवगाइड एंटीना वो होते हैं जो किसी वेवगाइड से सिग्नल लेकर ट्रांसमिट करें, ठीक है। एज ऑफ द, यहाँ लिखा वेवगाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपर्चर एंटीना, द एज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन व्हेन टर्मिनेटेड विद एन ओपनिंग। हाँ, तो जैसे हॉर्न एंटीना होता है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ द वेवगाइड एंटीना। तो जैसे कोई ओपनिंग में जी जा रही है वेवगाइड, तो इसको आप वेवगाइड एंटीना कह सकते हैं। और रिफ्लेक्टर एंटीना आपका मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। जो फ्रीक्वेंसी रेंज भी दी गई है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना की जो फ्रीक्वेंसी है वो अबव 1 MHz होती है, एंड दे आर यूज इन रेडियो एंड वायरलेस एप्लीकेशन। लेंस एंटीना भी आपका एक रिफ्लेक्टर एंटीना ही है। रिफ्लेक्टर एंटीना आप ये बोल सकते हैं कि जैसे पैराबोलिक डिश आपने देखी होगी, ये सिग्नल को लेके एक जगह कन्वर्ज करती है, या तो सिग्नल को एक पॉइंट से कन्वर्जेंस पॉइंट से लेके स्प्रेड करेगी स्पेस में, तो दोनों हो सकते हैं। लेंस एंटीना भी वही काम करता है। लेंस जो है, आपने लेंस देखा होगा, या तो लाइट को डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा, तो ये भी काम आपका लेंस के थ्रू भी हो सकता है। मगर इनकी जो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो स्टार्ट एट 1000 MHz, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पे ऑपरेट करते हैं ये, है ना। और उससे 3000 MHz एंड अबव भी आप इसको यूज किया जा सकता है। अपर्चर एंटीना मैंने आपको पहले ही बता दिया, तीन होते हैं, वेवगाइड, हॉर्न, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। और यहाँ पे अलग अलग इनकी फ्रीक्वेंसी, देखिए हर एंटीना का जो फिजिकल उसका स्ट्रक्चर होता है, उस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं, या अलग अलग टाइप के एंटीना की अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, और वो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि वेवगाइड एंटीना की 300 MHz से 300 GHz तक है फ्रीक्वेंसी, हॉर्न एंटीना की 300 MHz से 30 GHz, थोड़ा वेवगाइड एंटीना से थोड़ी कम है। माइक्रोवेव एंटीना अबाउट 100 MHz आप इसको यूज कर सकते हैं, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। अगर
बाकी कुछ अरेज हम देखेंगे, अरेज ये ब्रॉड साइड एंड एंड फायर अरेज, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरे का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक मेटालिक स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ रॉड्स लगी हुई हैं, जिसमें एक आपकी फीडर कहलाती है, यहाँ से फीडिंग वायर दिए गए हैं। बाकी एक डायरेक्टर एंटीनास होते हैं, कुछ रिफ्लेक्टर एंटीना होते हैं, तो सिग्नल का जो ट्रांसमिशन है वो आगे की तरफ होता है। ठीक है, इस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन, ये आपके डायपोल कहलाएंगे, हाफ डायपोल दिस एंड दिस, और डिपेंड करता है कि आपने इन फेज सिग्नल दिया है सभी जो भी आपके डायपोल्स लगे हैं, या 90 डिग्री फेज शिफ्ट में आप सिग्नल दे रहे हैं, और एंटीना को किस तरह से ओरिएंट कर रहे हैं आप, उस हिसाब से आपके एंटीना एरेज मतलब बनेंगे, जैसे या तो वो ब्रॉड साइड एरे कहलाएगा या एंड फायर एरे कहलाएगा। ठीक है, एंटीना इंजीनियरिंग कोई बहुत ही ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, इट इज वन ऑफ द वेरी लाइट सब्जेक्ट ऑफ योर सिलेबस, द ओनली थिंग यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट एंड यू जस्ट हैव टू स्टडी फ्यू टाइप्स ऑफ एंटीना विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड कंस्ट्रक्शंस, और अलग अलग एंटीना की अलग अलग एप्लीकेशन होती है और फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग होती है, थोड़ा सा हल्का फुल्का उसकी वर्किंग हम देखेंगे, और इसमें कोई ज़्यादा ऐसा टफ सब्जेक्ट नहीं है, यू विल गोइंग टू एन्जॉय दिस सब्जेक्ट, एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल सब्जेक्ट और द एक्चुअल कोर्स कंटेंट, आपको ये दिमाग में रखना है कि इस कोर्स को पढ़ने का मकसद क्या है, द कोर्स इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट टचेज योर लाइफ, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर डे टू डे रूटीन, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विथ एंटीनास एनी वे, ओके, लाइक इफ यू आर यूजिंग अ वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन इन योर होम, दैट इज यू आर एबल टू यूज बिकॉज ऑफ द एंटीनास, देर इज सम एंटीना ओवर देर हु इज ब्रॉडकास्टिंग एनी काइंड ऑफ वायरलेस डेटा एंड यू आर यूजिंग इट, ओके, सो दैट इज द मीन्स ब्यूटी ऑफ एंटीना, दैट योर डे टू डे वर्क इज गोइंग ऑन स्मूथली बिकॉज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एंटीना, ओके, सो आई थिंक वी विल गोइंग टू मीन्स एंजॉय दिस सब्जेक्ट एंड दिस इज ओनली हाफ पार्ट ऑफ द सिलेबस आई हैव डिस्कस, आई वॉन्ट टू डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स विथ यू एज एन इंट्रोडक्शन टू द एंटीना, और अगले लेक्चर्स में अभी इंट्रोडक्शन का ही कुछ और पार्ट में और शेयर करूँगी, और ये आपके नोट्स में भी काम आएगा, और आपको थोड़ा सा एक जिस्ट पता चल गई है, समरी पता चल गई है कि हमें क्या क्या करना है, अभी हम आगे और इस तरह से पढ़ने वाले हैं। ओके, सो इस लेक्चर को आप एक दो बार और देख लीजिएगा, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी रिसर्च करिएगा, और इस तरह से आपको सब्जेक्ट में इन होने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, थैंक यू।